हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अरुणाचल प्रदेश में टॉप 10 डी फार्मा कॉलेज। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके अरुणाचल प्रदेश में टॉप 10 डी फार्मा कॉलेज कौन कौन से हैं? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल यदि कर लेते हैं खुद से, तो आप खुद से ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन से टॉप लेवल के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रहे या प्राइवेट रहे। उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप जो है उसका अप्रूवल चेक करें, अप्रूवल PCI अप्रूव है या नहीं, उसका क्या एक्सटेंशन है। PCI का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए और वहाँ पे जाके उस कॉलेज का लिस्ट में नाम चेक कीजिए। नाम चेक करने के बाद वहाँ पे साइड में दिया होगा कि इस कॉलेज का अप्रूवल का एक्सटेंशन कब से कब तक है, अभी करंट सिचुएशन में है या नहीं है। उसके बाद दूसरा है कि आप उस कॉलेज में डायरेक्टली विजिट करें। जैसे आप विजिट करिएगा तो आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि वहाँ का जो फैकल्टी होगा उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और फैकल्टी के साथ मिलने का मौका मिलने के साथ साथ आप ये भी पता कर सकिएगा कि प्रीवियस ईयर में जो पास आउट हुआ उनका क्या परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, वो अभी करंट सिचुएशन में क्या कर रहा है। उसके बाद आप सीनियर स्टूडेंट से भी मिल लेंगे तो वो सब भी जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे वो बेहद ही हेल्पफुल रहता है। तो आप ये करें, उसके बाद आप ये भी चेक करें कि आपको फार्मेसी में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और उसके बाद आप ये चेक करें कि आपके रेसिडेंस से लोकेशन से कितना नज़दीक हो, क्योंकि नज़दीक होने से क्या प्रॉफिट है। नज़दीक होने से ये प्रॉफिट है कि आपका एक्सपेंस बहुत कम होगा। आप यदि हॉस्टल में रह के तैयारी करते हैं या फिर कोई कॉलेज या कोई सिटीज या कोई स्टेट चेंज करते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो वो एफर्ट करना सबकी बस की बात नहीं है। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज के सारे जो फी स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हुए हुए हैं। तो आप ये सब चेक करें, उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। और यदि कोई सा कॉलेज आप देख रहे हैं तो आप यदि चाहते हैं कि हमसे उसका रिव्यू कराना या फिर उस कॉलेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या फिर उस कॉलेज के स्टूडेंट से बात करना डायरेक्टली, तो आप कमेंट करके उस कॉलेज का नाम बता सकते हैं। धन्यवाद।